जामताड़ा, जी हाँ, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, जहां से एक आई कॉल आपको कंगाल बना देती है कि वहां अब साइबर अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि वह सरकारी कर्मचारियों के खातों में सेंध लगाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। ठगों के गिरोह के पास सचिवालय कर्मियों का डाटा पहुंच गया है। इतना ही नहीं, ठग सीयूजी नंबर पर फोन कर लोगों को झांसे में ले रहे हैं और उनके खाते से रकम पार कर दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। सावधान हो जाइए, क्योंकि अगली बारी आपकी भी हो सकती है। आप भी जाल साजिशों के शिकार हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी भी क्या वजह है कि सचेत रहना पड़ेगा, तो हम आपको बताते हैं कि इन दिनों साइबर क्राइम का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। बता दें कि ठग सचिवालय के कर्मचारियों को उनके बैंक शाखा के किसी कर्मचारी का नाम बताकर फोन करते हैं। इससे लोग उनके झांसे में आते हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में कई कर्मचारियों के खाते से रुपए निकालने की बात सामने आई। पुलिस सूत्रों का कहना है कि झारखंड व दिल्ली में बैठकर जालसाज सचिवालय के कर्मचारियों को फोन करते हैं। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस का कहना है कि गिरोह के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस टीम ने 2 माह पहले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया था। बाकियों के लिए लगातार दबिशें दी जा रही है। तो दूसरी तरफ साइबर अपराधियों के पास सरकारी कर्मचारियों का नाम और मोबाइल नंबर कैसे पहुंचा, इसको लेकर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। माना जा रहा है कि विभाग के कर्मचारियों का डाटा ठगों को बेचा गया। इससे पहले भी बैंक के कर्मचारियों के मिलीभगत से लोगों के खातों का ब्यौरा बेचने की बात सामने आ चुकी है। तो दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि साइबर अपराधी बेहद सक्रिय हैं। हर रोज लोगों की गाढ़ी कमाई पर डांका डाल रहे हैं, लेकिन पुलिस इन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। पुलिस कर्मी संसाधनों की कमी का बहाना कर चुप्पी साध लेते हैं। यही वजह है कि साइबर क्राइम की घटनाओं पर नकेल नहीं लग पा रही है। वर्ष 2020 में 2700 से अधिक लोग साइबर क्राइम के शिकार हुए थे। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस का यह दावा है कि साइबर अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए राज्य में प्रवर्तन निदेशालय का अनुसंधान व कार्रवाई जारी है। राज्य के 3 बहुचर्चित मामलों में ईडी का अनुसंधान पूरा हो चुका है। अब यह सूचना मिली है कि 1 महीने के भीतर साइबर अपराधियों की करोड़ों की संपत्ति को ईडी जब्त करेगा। वर्ष 2018 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, जिसमें सिर्फ जामताड़ा जिले के साइबर अपराधी प्रदीप मंडल, युगल मंडल व संतोष यादव पर 2.49 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग, जिसमें सिर्फ जामताड़ा जिले के साइबर अपराधी प्रदीप मंडल, युगल मंडल व संतोष यादव पर 2.49 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ईडी में दर्ज प्राथमिकी में यह आरोप लगा था कि आरोपित प्रदीप मंडल ने साइबर अपराध के जरिए रुपए की ठगी की, जबकि युगल मंडल व अन्य पर साइबर अपराध के जरिए 99 लाख तथा तीसरी प्राथमिकी में संतोष यादव पर 50 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगा था। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि इन पर अब सरकार की निगाहें टेढ़ी हो गई हैं और इन पर अब लगाम लगाने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज़।